सर ये अल्फ्रेड अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का नियम दिया कब दिया था सर? ये सब्जी लेने जा रही है, साग कर लेने जा रही है, नाइनटीन मतलब ट्वेंटी दूध लेने जा उन्नीस रही सौ है, तो बीस में उनमें तीनों को कोरोना हो गया। कोरोना हो गया। कौन है दुखी वाली बात बता रहा है? पीछे वाले खुश हाँ है। हाँ अर्जेंट पढ़िए। चलिए शुरू करें। हाँ हाँ तो शिवेन जी आप कुछ पूछ रहे थे, आपकी बात खत्म हो गई? आकाश भी नहीं बोले, आकाश सर भी आपस में हो बोल गई रहे सर। हैं। मैं तो सर ओनली वैज्ञानिक का ना पूछ रहा था, बता दिया था आपने सर। ठीक है भाई म्यूट कर लो सब लोग, आगे देखते हैं, जिसको बोलना हो पूछना हो केवल वही जो है तो बारी म्यूट कर लो भाई अपना अपना म्यूट कर लो। फुलानो नहीं जूतना हुए हैं आप ना रिजल्ट जो आप कर दो सर। सही के फुलानो नहीं जूतता हुए हैं। अर्पित भाई म्यूट कर लो प्लीज। हाँ कर दिया मैंने सबको। ठीक है अब देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ तक पहुंचे थे थिया कॉमेट कोलिजन, पानी यहाँ पर आ गया है ना, फिर सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंटरी सॉइल ऊपर की जो परत है वो पानी को नीचे जाने देती है, और अग्नेय सैल जो है जिसकी पहले वाली जो मिट्टी थी जो अभी भी है नीचे पाई जाती 95% तो वही है अग्नेय सैल है, ऊपर तो बस पतली महीन की परत है ना, तो वो जो है वाटर रिटेंडिबिलिटी होती है, यानी अग्नेय सेल जो होती है वो पानी को रोक के रख सकती है, अवसादी सेल परमिएबल टू वाटर पानी को नीचे जाने देती है। इस तरह से भगवान ने हमारे पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दिया। ठीक है समुद्री पानी थोड़ी पी सकते थे हम लोग है ना, वो भाप बन के उठा नीचे गिरा सब धीरे धीरे धूल जो थी छटी बैठी है ना, और उसके बाद वो एक मोटी परत भी बन गई और उसमें पानी हमारे पीने के लिए इंतजामात कर दिया गया, ग्राउंड वाटर का इंतजामात कर दिया। इतना बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। दूसरी बात इसी थियोरी में एक और बात एक्सप्लेन करी गई। ठीक है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक टुकड़ा है ना, ये एक टुकड़ा है जो बाहर निकल के गया है ये धक्का खाकर। ठीक है क्यों धक्का खाया? डायनेमिक फोर्स बाई अप्लाइड बाई थीया, ये जो आया था थीया इसने धक्का मार के इसका एक अंश उखाड़ दिया था बाहर की ओर फेंक दिया था, तो अब क्या है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको अंदर की ओर भी खींच रहा है और धक्का बल इसको बाहर की ओर धकेल रहा है, तो ये उतनी दूरी पर जा करके स्थिर हो जाएगा लगभग 4 लाख, जब नदीरत लगभग 3,56,000 ठीक है किलोमीटर की डिस्टेंस है ना पर पहुंच जाएगा, जहां पर कि दोनों बल संतुलित हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इनवर्ड जो लग रहा है नाउ एक्ट एज सेंट्रीपेटल फोर्स, अब केंद्रीय बल की तरह काम करने लगेगा, सेंट्रीपेटल मतलब अभी केंद्रीय अंदर की ओर, अभी केंद्रीय बल की तरह कार्य करने लगेगा, और जो धक्का लगा है इसको आउटवर्ड ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अभी यानी अप केंद्रीय बल के तौर पर काम करने लगेगा, अभी बैलेंस हो जाएगा, जब इस तरह का बैलेंस होता है तो होता है रिवोल्यूशन है ना, रिवोल्यूशन, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसका, ताकि दोनों पिंड आपस में बैलेंस रहें, इस कारण से यह सिस्टम होता है।
ठीक है, ये ज्यादा भारी है, ये कम भारी है, इनके बीच का जो सीजी होता है वो आ जाता है अर्थ के अंदर, तो इसलिए ये लगता है कि पृथ्वी की घूर्णन कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई किसी का चक्कर नहीं काटता है, ना कोई ग्रह तारे का चक्कर काटता है, ठीक है, ना ही कोई उपग्रह ग्रह का चक्कर काटता है। ये सिर्फ दोनों के बीच जो सीजी होता है सिर्फ उसका चक्कर काटते हैं, ठीक है। इसको समझा देता हूं मैं, ठीक है, इसको ऐसे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप कहोगे कि अब ये क्या बता दिए, कोई किसी चक्र नहीं काटता है, कोई किसी परिक्रमा नहीं करता है, यही सच्चाई है। जैसे आते ना कि हम कक्षा पांच छह में पढ़ते रहते हैं तो कहते हैं चौथे में तीसरे में दूसरे में कि सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में अस्त होता है, सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में अस्त होता है। बाद में पता चलता है कि अरे भाई सूरज पूरब और पश्चिम में ना निकलता ना अस्त होता है, ये पृथ्वी है जो घूमती है। वैसे ही कोई किसी चक्कर वक्कर नहीं काटता, ऐसे भ्रम। दो पिंड हैं, है ना, एक तराजू पर रखे हुए हैं, अगर इनका भार एक बराबर हो, है ना, तो ये तुला कहाँ होगी, यहां पर स्थित होगी। लेकिन अगर एक और भारी हो, एक कम हो, तो तुला यहां पर स्थित होगी, और इनको घुमाया जाएगा तो ये वैसे ही चक्कर काटेंगे, ठीक है, घुमाया जाएगा तो ऐसे चक्कर काटेंगे, ठीक है। पिंड और भारी हो और ज्यादा बड़ा हो, है ना, और ज्यादा बड़ा हो, दूसरा वाला और छोटा हो, तब क्या पाएंगे हम लोग कि आ गया इधर इसके अंदर, तो अब वो सीजी चला गया अंदर, ये घूमता हुआ लगेगा कि इसका चक्कर काट रहा है, ठीक है, तुला स्थिर यहां पर है। ऐसे सेम जो पिंडों के बीच में जो सीजी होती है ना, वो उसका चक्कर काटते हैं। केवल बृहस्पति ग्रह के लिए सीजी सूर्य से बाहर है, बाकी सभी ग्रह इतने छोटे हैं कि सीजी जो है सूर्य के अंदर है, तो लगता है सब ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। क्लियर हुई बात, कोई किसी का चक्कर नहीं काटता, अपने भी सीजी का चक्कर काटते हैं। अब देखते हैं यहां पर जो हुआ मामला, ठीक है सर, उसको फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। कौन सी वाली बात? वही जो सीजी वाली बात अभी बता रहे थे आप। रिवॉल्यूशन वाला सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक बता रहा। देखो एक तराजू है, मतलब तुला है, तुला उत्तोलक समझ लो, तराजू इस, है ना। अब इसमें क्या है, इधर इस साइड में हमने एक पिंड रखा और इधर इस साइड हमने एक पिंड रखा, दोनों का भार बराबर है। अब इसको हम घुमा दें, धक्का मारे, इधर से प्रेस कर दें तो ये घूमेगा बड़े आराम से, है ना, घूम रहा है और सेंटर में ये है, तो डॉग स्टार जैसे होते ना, डॉग स्टार लगेगा, दो तारे अपने एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसा होता है, डॉग स्टार में होता ही है ना, जैसे साइरस है, पेयर है, दोनों आपस में चक्कर काटते रहते हैं, है ना। अब बात आती है एक, फिर ऐसे इमेजिन करें कि यहाँ पर भार बहुत बड़ा सा रखा हुआ है, इधर वाला पिंड का भार कम है, ठीक है। अब क्या है, तराजू का जो वो है धुरी, वो थोड़ा और करीब आ जाएगी भारी वाली के, बैलेंस करने के लिए इसको, बैलेंस सीजी, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब क्या है, थोड़ा और बड़ा कर दें, थोड़ा और बड़ा कर दें, ठीक है, और इधर पिंड को और छोटा कर दें, तो अब ये जो सीजी है, क्योंकि शिफ्ट होती जा रही इस साइड में, तो सीजी शिफ्ट हो गई यहाँ, यहाँ शिफ्ट हो गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी आ गई यहाँ। अब धक्का मारो फिर से, ये घूमना शुरू, तो हमें क्या लगेगा कि ये जो है पिंड है इसका चक्कर काट रहा है, लेकिन असलियत क्या है, ये उसका चक्कर नहीं काट रहा है, उनके बीच जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, इसका चक्कर काट रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है। तो अब क्या था यहाँ पर, ये चक्कर समझ में आ गए ना, कोई की
किसी चक्कर वक्कर नहीं काटता है, सिर्फ सीजी चक्कर काटता है उन दोनों के बीच जो स्थित हो। अब यहाँ पर जो गोल गोल घूमने लगता है, तो घूर्णन के जो ऑब्जेक्ट था, जो बड़ा सा पदार्थ यहाँ से निकल के गया था मैटर, तो घूर्णन का सिद्धांत कहता है कि जब कोई चीज घूमती है तो अपने आकार को गोल करने का प्रयास करती, भारी चीजें अंदर को बैठती जाती है, सिकुड़ता है, गोल होता जाता है, अपनी शेप को मेंटेन कर लेता है संतुलित करने के लिए, है ना। तो इस तरह से वो गोल हो गया, है ना, ये। और यहां पर घूर्णन भी चल रहा है, इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ मून, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मून, चंद्रमा इसको हरा कर दे, पृथ्वी हमारी नीला कर दो, नीला ग्रह है ना, ठीक है। इस तरह से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, फॉर्मेशन ऑफ मून, ठीक है। 410,000 किलोमीटर होता है जब सबसे दूर होता है, है ना, और जब सबसे नजदीक होता है तो 356,000 किलोमीटर, जिसे कहते हैं आप उपसौर, और जब सबसे दूर होता है कहते हैं अपसौर, पेरिजी और एपोजी, जैसे पेरी हीलियन, हीलियस सन, जी जिया पृथ्वी, है ना, जियो। तो जब सबसे करीब होता है तो ये 14% लार्जर एंड 30% मोर ब्राइटर दिखाई देता है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना बड़ा और ज्यादा चमकीला, जिसे कहते हैं सुपर मून। अगर महीने किसी साल, है ना, किसी साल 30 दिन के अंदर 2 सुपर मून दिखाई दे जाएं, तो उसे दूसरे वाले कहते हैं ब्लू मून, और उसको कहते हैं ब्लू मून ईयर। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 साल, 3 साल, 2 साल, 20 जून हाँ, ठीक है, 3 साल, 3 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल, 2 साल, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हो गया फॉर्मेशन ऑफ मून। मून इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन, और चंद्रमा ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ना होता। अब ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसी चीज है भाई, चंद्रमा ना होता तो जीवन ना होता, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि देखिए अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। लेकिन मून कैसा घूमता है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमता है। हमने अभी कहा था पहले पृथ्वी 6 घंटे में ही अपना दिन और रात मतलब कंप्लीट करती थी, इतना तेज घूमती थी, और उसके कारण तब जीवन संभव नहीं हो सकता, तो वो भी हमने बता दिया था दशा। तो यहाँ पर एक पहली रह गई थी कि आखिर क्या कारण हुआ कि धीमी होती जा रही है, इसका रोटेशन स्पीड होता जा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ मून। और जो इसकी टिल्ट भी है मून के द्वारा कारण है, तो उसको रोके झुकाए रखे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो अपनी उसके पोलर एक्सिस से जो झुकाव है, तो झुकाव को परमानेंट रखने में वो हेल्प कर रहा है। और दूसरी चीज है कि ये सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण है, ये अर्थ की रोटेशन स्पीड को कम कर रहा है, और अर्थ मून की रोटेशन स्पीड को कम कर रही है। उत्तरोत्तर एक चुंबक है ना, वो पहले बहुत तेज घूमता था, है ना, चुंबक, उसके बगल में उल्टा घूमने वाला दूसरा चुंबक लगा देंगे तो दोनों की स्थिति, दोनों की परस्पर जो गति है वो धीमी होती जाएगी। तो ये उल्टा घूमने के कारण चंद्रमा 2.2 मिली सेकेंड्स पर सेंचुरी जो है अर्थ की रोटेशन स्पीड को कम करता जा रहा है, और कम करते करते इसने लाकर के इसको 24 आवर्स पर सेट कर दिया, नियत कर दिया, जिससे कि ये नया लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर पैदा होता है। इस कारण से मून नहीं होता तो लाइफ नहीं होती, ठीक है। ये फ्यूचर में और कम हो सकता है सर, है होता जाएगा, बता रही इसी रेट तो होता जाएगा, ठीक है। एक समय आएगा कि ये खुद ही गिर जाएगा धरती में, लेकिन तब तक बहुत बहुत ज्यादा समय हो चुका होगा,
तब तक चंद्रमा पहुंच जाएंगे हम लोग। चंद्रमा गिर जाएगा कैसे पहुंचेंगे वहां पे? तो उसके ऊपर रहेगा ना, वो नीचे आएगा तो नहीं, तब तक कलयुग का अंत हो जाएगा। हाँ ये भी है, कलयुग का अंत हो जाएगा। छोड़ो 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 छोड़ो, चंद्रमा की जो, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी की 6 गुना कम है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगर आप वहां पर जाओगे तो आपका भार 6 गुना कम होगा अगर वहां पर तोला जाएगा आपको, ठीक है। मास थोड़ी ना बदलता है, m * g ग्रेविटी बदल जाती है, तो 6 गुना कम आपको वहां पर भार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई है ना, कैसे कैसे क्या हुआ, मून का फॉर्मेशन, उसका क्या कारण है ना। और रिसर्च में पाया गया कि महासागरों में जितने गड्ढे हैं अगर चंद्रमा को फोड़ करके भर दिया जाए तो वो फिर से वापस भर जाएंगे, ये रिसर्च में सिद्ध हो पाया। अब 2017 में अभी तक इनकी हाइपोथेसिस को एक केवल हाइपोथेसिस ही मानी जाती थी, वो सिद्ध नहीं थी। इस 2017 में ऐसा क्या हुआ कि इस बात को प्रूफ, मतलब कि बहुत सारे लोग मानते थे, बहुत सारे लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब 100% श्योर हो गया कि हाँ ये सिद्धांत रहा होगा। आकर के देखते हैं वो क्या है। ठीक है, 2017 में क्या क्या कहते हैं चीज क्लियर हुई। इसमें ये हुआ था, सारे न्यूज़पेपर में हाहाकार मचा गया था, सबने छापा था अपनी बुद्धि के हिसाब से, मतलब घटिया से घटिया न्यूज़पेपर ने, और हेडलाइन यही थी कि मैसिव ओशन फाउंड बीनीथ द अर्थ, ठीक है, एक मतलब पृथ्वी के अंदर विशाल महासागर पाया गया जो कि एक रॉकी इंसुलेटेड कैप्सूल में बंद है, जो एक कॉमेट का पार्ट है। शुरुआत में भी कॉमेट की सावर हुई है धरती पर, है ना, इसके पहले भी, तब पृथ्वी पूरी तरह से ठोस नहीं थी, ठीक है, बस वो ठोस हो रही थी, ठीक है। और फिर भी कॉमेट गिरा और कॉमेट धंसता चला गया पृथ्वी के अंदर, वहां तक जाके धंस जाएगा जहां पर उसकी फ्रिक्शन कारण स्पीड भी कम होती चली गई उसकी, है ना, कॉमेट की फ्रिक्शन के कारण, और डेंसिटी भी नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, तो इसके कारण जा करके वो रुक गया। वो एक इंसुलेटेड रॉक में बंद है, ऐसी रॉक जिसको ऊष्मा नहीं भेद सकती है, और ये पृथ्वी के अंदर मेंटल में 600 किलोमीटर की गहराई पर, जहां पर कि ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से विभाजित करने वाली रेखा इसे रेपेटी आशा तत्व कहते हैं, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है, वहां पर जाकर के ये टिकी हुई है, रेपेटी मान लो ये है, वहां पर जाकर के टिकी हुई है, ठीक है। और इसमें इतना पानी है, पृथ्वी पर कुल जितना पानी है, ठीक है, सरफेस वाटर जो है अर्थ पर उसका 6 गुना अधिक है, 6 times ज्यादा पानी है इसमें, सोचो कितना बड़ा, हमारे कुल महासागरों में जितना पानी है उसका क्या कहते हैं, सॉरी 4 गुना अधिक पानी है। और ये जो कैप्सूल है ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब परग्रही चट्टान है, इस तरह चट्टान धरती पर नहीं पाई जाती है, एक इंसुलेटेड कैप्सूल है ना, कॉमेट का टुकड़ा कह सकते हो आप इसे, इसका नाम है रिंग वुड अब क्या हुआ उस एवं द्रव दोनों में चल सकती हैं, लेकिन द्रव में उनकी गति कम हो जाती है, जबकि एस तरंगे जो होती है भूकंप की, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से, ठीक है। वो क्या हो गया, अब आवाज गायब हो गई सर, पीछे आ रही अब आ रही, अब नहीं आ रही क्या, नहीं सर बीच में मिस हो गया है सर, जब आप नाम बता रहे थे उस टाइम मिस हो गया, लिख दिया हूँ, रिंग वुड टाइट नाम है चट्टान का, ठीक है, परग्रही चट्टान, रिंग वुड टाइट,
अंदर है 600 किलोमीटर गहराई पर जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और ये गर्म क्यों नहीं होता, क्योंकि रॉक है, इंसुलेटेड है, हीट रेजिस्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा हीट चाहिए इसको तोड़ने के लिए, पिघलाने के लिए, और वहां पर 600 किलोमीटर में इतनी हीट नहीं है। खोज कैसे हुई, भूकंपीय तरंगों की माध्यम से। पी तरंगे जो होती हैं वो ठोस और द्रव दोनों में चल सकती हैं, है ना, लेकिन लिक्विड में उनकी स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तरल में स्पीड घट जाती है, 8 किलोमीटर से घट करके 4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। यस तरंगे लिक्विड में चलती ही नहीं है, जीरो हो जाती है उनकी रफ्तार। तो यहां पर भूकंपीय तरंगों की विभिन्न बर्ताव से इसको खोजा गया। अब यहाँ पर एक चीज देखे, मान लो कभी इतना तेज भूकंप आता है कि इसमें हल्का सा माइनर सा क्रैक हो जाए, हल्का सा भी क्रैक इसमें हो गया तो पूरी धरती में इतना तेज विस्फोट होगा, इसके छिलके उखड़ जाएंगे बाहर, है ना, धूल धूसरित हो जाएगी, कागज की तरह फट जाएगी पूरी धरती। क्यों, क्योंकि इसमें हल्का सा मान लो क्रैक हो गया तो जो पानी है, अब क्या है, जो इसकी हीट है वो एंट्री मारेगी, 600 किलोमीटर पर गर्मी पड़ती है काफी ज्यादा होती है, पानी पिघलना शुरू करेगा, भाप बनना शुरू होगा, पानी रिलीज होगा, लिक्विड होकर के गिरता जाएगा, भाप बनता जाएगा, इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि इसको पूरे को ऐसा डिस्ट्रॉय करेगा कि कहीं पर तिनका, मतलब कि एटम की तरह बदल देगा इनके कणों को, महाविस्फोट, सब खत्म, सब लोग मर जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा, डर लगने नहीं तो क्या क्या डालेंगे यहाँ पर, डर लग, इतना तेज विस्फोट होगा। हम कह रहे हैं कहीं पृथ्वी का जो ये पार्टिकल है, ये जो हिमालय देख रहे हो ना, वाला एस्केप वेलोसिटी से ऊपर जाएंगे, ग्रेविटी को पार करके बाहर निकल जाएंगे, तुम अपना क्या सोच रहे हो, है ना। तो ये खतरे की, ये प्रलय का एक व्यवस्था भी आप समझ सकते हो, हो सकता है भगवान ने सोचा हो कि अब की बार प्रलय इस तरह से लाया जाएगा तो मजा आएगी, है ना। और इसको मजा ही नहीं आएगा, पृथ्वी केवल ड्वार्फ प्लेनेट बन के रह जाएगी। लेकिन इस सिद्धांत से पता चलता है कि जो डेली ने कहा था बिल्कुल सही कहा था, ठीक है, ऐसा होता है, क्लियर। दर्दी है कहां पर, मतलब ये रखा हुआ है। अब आते हैं अगले लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर पर, रखा नहीं है, ये घुस गया था, दोनों सब मतलब कौन से जगह पे है पृथ्वी पे, चीरता हुआ अंदर तक, कौन से देश के अंदर है सर ये, जो है अटलांटिक, अरे देश का अस्तित्व खत्म हो जाता है वहां पर, ये गहराई में जा रहे हो, ठीक है, 600 किलोमीटर पैसिफिक और अंटार्कटिका के नीचे से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमको मिलेगा, ठीक है, 600 किलोमीटर नीचे गहराई में रेपेटी असा तत्व के ऊपर है। वहां तो सर खुद ठंडी रहती है, वहां बर्फ जमी रहती है। अरे यार गहराई में कौन सी बर्फ, हम कह रहे हैं ये नीचे है, धरती के नीचे है 600 किलोमीटर, वहां कोई देश नहीं है, है ना। अरे देखो मतलब उसके ऊपर लखनऊ है, ठीक बस सेंटर में है, हाँ लखनऊ नहीं लखनऊ नहीं है हमारा, ये सबसे सुरक्षित जगह दुनिया है, ठीक है। अब देखो ये है अंटार्कटिका पॉइंट ए मान लो, ये अमेरिका है पॉइंट बी मान लो, ठीक है, ये रसिया है मान लो पॉइंट सी मान लो, है ना, ये इंडिया है पॉइंट डी मान लो, यहाँ पर अंदर गहराई में चले, यहाँ पर है ये, तो अब तू क्या कहोगे कि किसके नीचे है, किसके नीचे है, किसके नीचे है, किसके नीचे है, सभी को उड़ा देगा फिर, समझ में आई बात, बस हमारे उत्तर प्रदेश के नीचे नहीं है, हाँ यहाँ बाबा जी की कृपा है सर, वाराणसी के नीचे हो सकता है सर, सब कुछ प्रलय वहीं से आई, सरस्वती नदी उसी में चली गई है क्या, ये कुछ नहीं, चलो ठीक है, अगला लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला बहुत महत्वपूर्ण जीवन संभाव्यकारी दशा, ठीक है, एक जुपिटर भी लोड कर लो, बृहस्पति,
बृहस्पति ग्रह ये हमेशा हमें परग्रही पिंडों से अपनी तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण बचा लेता है, करीब करीब से निकल जाते हैं, बच जाते हैं। जैसे सुनमेकर की ही बात कर लें, जो आ रहा था नया कॉमेट गिरने वाला था, है ना, लगभग 99% कॉमेट हम ये खींच लेता है अपनी तरफ, एस्ट्रॉइड मेटेराइड सब खींच लेता है और हम बच जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी एक लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर है। अगला लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी की प्रमुख वायुमंडलीय परतें एवं गैसों का संघटन। ठीक है, आते हैं भाई, ये क्या मामला है इसको समझते हैं। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न वायुमंडलीय गैसें हैं और पर गैसों का संघटन बहुत समुचित है, जो उनका प्रतिशत मान है वही होना चाहिए था। ठीक है, न ज्यादा न कम, जो उनका प्रतिशत मान है वही उनका होना चाहिए था। अब देखते हैं एक एक गैस जो महत्वपूर्ण है जीवन के लिए किस तरह से वो लाइफ में ऊपर वाली मान लो धरती है, ठीक है, ऊपर का पार्ट ये उसका वायुमंडल होगा जो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सी गैस है भाई, नाइट्रोजन वायुमंडल में, नाइट्रोजन कितना है, 78%। ठीक है, 78% बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, इसके बिना जीवन संभव नहीं। जो ये प्रतिशत मान है ये भी आवश्यक है, ये अक्रिय गैस है, क्या करती है, इट इम्पोजेस डाइल्यूजन इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड इंपॉर्टेंट, सेकंड जो सबसे ज्यादा गैस है 20.95%, यानी 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पर यह तनुकारक प्रभाव डालती है, डाइल्यूजन इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन तनुकारक प्रभाव डालती है। ठीक है, अब देखते हैं तनुकारक प्रभाव क्या है। तनुकारक प्रभाव ऐसे है जैसे कि मान लो शरबत में चीनी ज्यादा हो गई तो हम पानी और डाल देते हैं तो तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, मिठास क्या होती है उसकी कम हो जाती है ना। वैसे ही ऑक्सीजन जो कि बहुत ही अधिक ज्वलनशील है, बहुत देख हो रहा है सर आपका, बहुत अधिक ज्वलनशील गैस और हाईली रिएक्टिव गैस भी। आवाज आई, हाँ सर अभी है, और आवाज तो आ रही है आपकी, ब्रेक हो गया, अब सभी सही है, आ रही मोबाइल बोलते रहिए सर, हम बताएंगे आपको। सही सही आ रही है, ठीक ठाक, नहीं क्या मजा आएगा। ठीक, सर ने लेफ्ट कर दिया, वापस ज्वाइन करेंगे क्या, रिपुल सर सो गए क्या आप?
पृथ्वी के बारे में सोच रहे हैं अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि अगर वो एस्टेरॉयड फट जाएगा तो हम किस लिए तैयारी कर रहे हैं अभी नहीं सर रॉकेट रॉकेट लेके चले जाएंगे बाहर पृथ्वी से बाहर चले जाएंगे रॉकेट लेके पढ़ने दो आ गए हैं सर हमें बैठा दे सर सब सुन रहे हैं अभी सभी का ठीक है रॉकेट लॉन्चर तुम्हारा है ना स्क्रीन तो शेयर थी ना हाँ ठीक यहाँ पर देखते हैं हम कि ऑक्सीजन पर डायोजन इफेक्ट डालती ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस है तो ये ज्यादा मात्रा में होकर के ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को क्या कर देती है डाइल्यूट कर देती है कम कर देती है जिससे आग पकड़ने का खतरा खत्म हो जाता है नहीं तो इतना तेज हवा चल रही हवा चलने से ही आग लग जाती फ्रिक्शन से ही आग लग जाती है ना इतना हवा जो चल रही है इतना पर्याप्त था कि फ्रिक्शन हल्का सा फ्रिक्शन आग पकड़ने पूरी धरती पर आग लगी रहती ठीक है और ऑक्सीजन स्वयं जल करके समाप्त हो जाती ठीक है तो ये नाइट्रोजन क्या करती है कि इंपोजेस डाइल्यूजन इफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन उसको क्या कर देती है तनु कर देती है डाइल्यूट कर देती है आग नहीं लगेगी ठीक है नहीं अविनाश अविनाश डिले हो रहा है देर हो रही है अविनाश को देर हो रही है गाड़ी तेजी से लेकर के निकला फ्रिक्शन हुआ ऑक्सीजन का घोस्ट राइडर बन गया है एक आया था मूवी गाड़ी लगने से वैसे पूरा आग लग जाती थी हॉलीवुड की मूवी थी ना एकदम ऐसा फास्ट एंड फ्यूरियस राइडर नहीं नहीं घोस्ट राइडर घोस्ट राइडर बाइक पे जाता घोस्ट राइडर बाइक पे उसका पूरा फेस जलता है बाइक जलती है ठीक है। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऑक्सीजन हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं ना अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं अगर मान लीजिए वहां नाइट्रोजन खत्म हो गया अंदर ही आग लग जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा नहीं भाई हम ऑक्सीजन को उस तरह तो हमारा शरीर भी तो नाइट्रोजन का ही बना हुआ है जी 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 आगे हम बता रहे हैं अभी ठीक है नाइट्रोजन तो आप लेके जा रहे हैं ना वो तो नाइट्रोजन लेकर के अंदर जा ही रहा और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी तो बॉडी में जा रही है नहीं नहीं उनके कहने का मतलब अगर नाइट्रोजन नहीं आएगा तो मिश्रित रूप में जाती है ना सर अंदर हाँ ठीक है अब वहां पर ब्लड में घुलती हीमोग्लोबिन से मैच करती है तुम बता रहे वो थोड़ी कहानी थोड़ी होती उसकी है ना अंदर की यहाँ पर अभी मुद्दे बात करते हैं पहला फायदा ये हो गया डाइल्यूजन इफेक्ट दूसरा फायदा यहाँ पर नाइट्रोजन बहुत ही ठंडी गैस होती है एक बहुत ही ठंडी गैस होती है लिक्विड नाइट्रोजन जो होती -273 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के लिक्विफाइड होती है बहुत ठंडी गैस होती है ठीक है और लेकिन गैसियस कंडीशन में भी ठंडी है अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो नाइट्रोजन पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस रखती कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो हरित गृह गैस ना होती तो ऐसा भी होता है ना इसमें केवल एक कंपाउंड है N2O नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन का जो कि ग्रीन हाउस गैस है इसे याद रखना ये गर्म करने का काम करता है बाकी जो भी हैं वो ठंडा करने का प्रयास करता है जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक लीडेन फ्रॉस्ट इफेक्ट वायुमंडलीय लीडन फ्रॉस्ट प्रभाव लीडन फ्रॉस्ट प्रभाव क्या है पानी तो पानी पानी तो पानी 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 ये क्या है लीडन फ्रॉस्ट प्रभाव ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का उल्टा होता है जस्ट अपोजिट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ये क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव गर्म करने का प्रयास कर रहा है और ये वायुमंडल को ठंडा रखने का प्रयास कर रहा है इस तरह से पृथ्वी संतुलित है बैलेंस्ड है सो इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन हीट बजट ठीक है हीट बजट ऑफ अर्थ उनका निभाता है क्लियर तीसरी बात
सामान्य तौर पर तो ये नाइट्रोजन जो है आपकी अकरी गैस है, लेकिन जब अल्ट्रावायलेट गिरती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज इनके ऊपर गिरती हैं, है ना, या थंडर लाइटनिंग जो बिजली चमकती है आसमान में, ये बिजली से डरने की जरूरत नहीं, अगर लाइट नहीं चमकती तो जीवन नहीं होता, ये भी जान लो। अगर ये लाइट नहीं चमकती तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। अब बादल गरजे और बिजली चमके तो समझो कि ये लाइट सपोर्टिंग फैक्टर है। ये क्या करता है, एक तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जो बारिश साथ नाइट्रोजन की बूंदे डाइल्यूट HNO3 बनाती हैं, है ना, अल्ट्रावायलेट गिरी H2O पर, H प्लस OH माइनस में तोड़ दिया, ठीक है, नाइट्रोजन पे गिरी ऑक्सीजन के साथ में उसको NO2 बना दिया, है ना, NO2 के साथ में फिर से अल्ट्रावायलेट OH माइनस को मिला करके HNO3 बना दिया डाइल्यूट। मिट्टी को ये एसिडिक बना के रखता है, अम्लीय बना करके भी रखता है, जो जरूरी है ना, ताकि वहां पर माइक्रोब्स ग्रो कर सके। और इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और ये जो स्थिरीकृत नाइट्रोजन है पेड़ लेते हैं, जीवाणु भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब तक एटमॉस्फेयर में बड़े पैमाने पर नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या है, पेड़ पौधे उन्हें लेते हैं नाइट्रोजन को, NO3 डबल माइनस, है ना, और उसको लेकर के फिक्स कर देते हैं पौधों में अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए नितांत आवश्यक तत्व है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए नितांत आवश्यक तत्व है। ये जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट के साथ में अमीनो एसिड बैरियर की तरह काम करता है, प्रोटीन वगैरह को पकड़ पकड़ करके जटिल यौगिक संरचना बनाता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर इसकी कमी हो गई तो खत्म कहानी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी अवरुद्ध हो जाएगी, ठीक है। अमीनो एसिड महिलाओं में बड़ी कमी पाई जाती है इसकी, है ना, महिलाओं में इसकी कमी पाई जाती है, तो उनको फिर पता नहीं कौन कौन से ग्लोबिन प्लोबिन पता नहीं क्या क्या पिलाया जाता है, तो है ना, उसका कारण मुख्य ये है कि अमीनो एसिड प्रोटीन ही होता है सर ना, हाँ ठीक है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक, हाँ बिल्डिंग ब्लॉक है। यहाँ पर देखो ये है, ये देखो यहाँ पर ये जो है कार्बोहाइड्रेट है, ये अमीनो एसिड है, ये प्रोटीन को पकड़ के जोड़े हुए है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ये देखो ये चीज है ना, नहीं तो प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाती है आपके अंदर। और उसका कारण है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसके कारण उनके अंदर जिंदगी पानी है ना, तो क्या होगा, डिफिशियंसी होगी ही, रक्तालपता शिकार हो ही जाओगे, है कि नहीं, गोलगप्पे पाएं। और देखो ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है, ब्लड जो रिलीज होना है उसकी क्वांटिटी तो है, वो तो फिक्स है, वो तो होगा ही। अब तुम चाहे क्या कहते हैं गोलगप्पे पानी पियो, चाहे क्या कहते हैं कुछ जूस वूस पियो, फायदेमंद चीज पियो, दूध पियो, लेकिन वो सब रास कहाँ आएगा, है ना, लगभग 60-70% जो औरतें हैं दूध उनको पीना नहीं पसंद, डायरेक्ट दूध की तरह, है ना,